बेमेतरा में खराब क्वालिटी के खीरे के बीज से किसान परेशान है। जिले में लगातार नकली बीज और नकली खाद से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले में महज कुछ ही दूरी पर पेंड्री के एक किसान ने खीरे के बीज लगाकर अपने 1.5 एकड़ खेत में लगाए थे, लेकिन फसल हुई ही नहीं। इसकी शिकायत करने पर किसान राठी कृषि केंद्र गया तो राठी कृषि केंद्र के मालिक ने उनसे बदसुलूकी करते हुए उन्हें भगा दिया। मैं कृषि कंपनी का वीएनआर कृषि का खीरा लगाता था जो मेरे को 400 से 500 क्विंटल तक का उत्पादन देता था प्रति एकड़। अच्छा मेरा रिजल्ट था उसके अंदर, उसी पे मेरा फोकस था लगाने के लिए। लेकिन इस साल मैं राठी जी के कहने पे मैंने ये खीरे का बीज डाला है और इसके अंदर जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी आई है, नार भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फल नहीं लगा। उसके उपरांत मैं राठी जी को बोला हूँ कि राठी जी इसके अंदर कोई फल नहीं लग रहा है, आप एक बार आकर या किसी को अपने वर्कर को भेज कर दिखाइए। तो उन्होंने अजय मिश्रा नाम के लड़का है जो नोवल यूसीड में काम करता है, वो यहाँ पर आया, उसने देखा तो उसने सारी फसल को अच्छा बताया कि भाई अच्छा जर्मिनेशन, अच्छी नार है, आप बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई भी मेल फ्लावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर इसके अंदर एक भी नहीं है। फीमेल फ्लावर ना होने के कारण इसको बीज ही, मतलब इसको खीरा ही नहीं लग गया है, जिसकी वजह से मैं एक भी खीरा इसके इस खेत के अंदर से नहीं तोड़ा हूँ। अगर राठी जी के कहने पे मैं नहीं लगाता तो मैं लॉस में नहीं जाता, और मैं अपना वीएनआर कृषि लगाता तो मेरे को 1 एकड़ पे 5-6 लाख रुपए की बचत आती है।